नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का सीरीज चल रहा है और इसमें ये जो मास्टर वीडियो होगा, यानी कि आपको छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम बैठिए, बहुत मददगार आपके लिए सिद्ध होगा। और इस चैप्टर का नाम है मिश्रण। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर होता है। देखिए, मिश्रण वाकई में होता क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए, मिश्रण का मतलब होता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये कोई बर्तन है और ये भी कोई बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में चावल रखा गया है, ध्यान से समझना। चावल मान ले रहे हैं कि ये हम लोग का कोई चावल है। इसका दाम, चावल का जो दाम है, 10 रुपया प्रति केजी है, यानी कि एक किलो का दाम 10 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का, कुछ बच्चे कहेंगे कि 10 बड़ा सस्ता है, ठीक है भाई 40 रख लो। एक प्रकार का और चावल है, ठीक है, इसमें हम लोगों का ये 50 रुपया प्रति केजी है, ध्यान से समझना, क्योंकि एकदम हम जीरो से पढ़ा रहे हैं, मान के चलते हैं कुछ नहीं, 50 रुपया, ठीक है। अब होता क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि इसमें से भी कुछ निकाल दिया गया और इसमें से भी कुछ निकाल लिया गया और निकाल कर एक नया बोरा बनाया गया, एक नया बर्तन बनाया गया। तो बोलेगा कि इस नए बर्तन में जो हम लोगों का मात्रा है, इसका 46 रुपया हो जाना चाहिए, दाम होना चाहिए, कितना होना चाहिए 46। तब वही कहानी मेरे दोस्त, कि एक जगह 40 है और एक जगह 50 है और मुझे 46 रुपये का बनाना है, तो हमेशा बड़े में से छोटे वाले को घटा देते हैं। 50 में से 46 जाएगा, 4 हो जाएगा, 46 में से 40 जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 6 हो जाएगा। अब ये रेशियो है तो कट जाएगा, 2 संबंध है, कितना 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग मिश्रण का नियम लगाते हैं, यानी कि एक जगह पहला दाम, एक जगह दूसरा दाम और दोनों के बीच में औसत मूल्य या क्रय मूल्य होना चाहिए। कभी भी विक्रय मूल्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा पहले खरीदा जाता है, जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक बेचेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमेशा बीच में, हमेशा जब भी रहेगा तो क्रय मूल्य रहेगा, क्या रहेगा, क्रय मूल्य या औसत मूल्य रहेगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल हम आपको मिश्रण में 70 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ये 25 होंगे, फिर 25, फिर 25, कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवालों से। देखिए, कह रहा है कि 6 रुपया 20 पैसा का है और 7 रुपया 20 पैसा का है, दोनों को मिलाकर 6 रुपये 50 पैसे का बनाना है। देखिए कितना आसान है मेरे बच्चों, देखिए 6 रुपया 20 पैसे का है, फिर हम लोगों का 7 रुपया 20 पैसे का है, फिर हम लोगों का कितने रुपए का है, 6 रुपया 50 पैसे का है, ठीक है। ध्यान बस एक बात पर रखे रहिए आप सभी, आपको बातें क्या रखनी है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर दशमलव है, 2 अंक पर, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, तो 2 अंक पर है, ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, 720 में से हम लोगों का 650 जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे 720 रुपया रखे हैं, घट जाएगा, तो आप जैसे ही घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आपका 70 आ जाएगा, कितना जाएगा 70 आ जाएगा, और 650 में से 620 जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 7 संबंध है कितना 3, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का मिश्रण का सवाल एकदम आसान से आसान तरीके से, आसान से आसान कॉन्सेप्ट पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग सवाल लेते हैं। देखिए, कह रहा है कोई दुकानदार 12 रुपया 7 रुपया और 8 रुपया, देखिए मेरे दोस्त कितना आसान है, ये सीजीएल 2016 का है, तो पता है सबका लेवल एक ही होता है, सब थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा कठिन, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट सबका तो एक ही ना होगा। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करेंगे। देखिए एक जगह 12 रखेंगे, एक जगह 7 रखेंगे और बीच में कितना रखेंगे 8 रखेंगे मेरे दोस्त। जैसे ही रखेंगे तो 8 में से 7 जाएगा आपका 1 आ जाएगा और 12 में से 8 जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 1 संबंध है कितना 4, ऑप्शन नंबर दूसरा। बहुत आसान होता है साथी, बहुत आसान। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं हम सभी। कह रहा है कि 15% और 40% और 30%, ध्यान से देखिए दोस्त, बस
वही नियम 15 है, परसेंटेज दे के भुलवा दी, यहाँ 40 है, बीच में कितना है 30 है। अब जैसे ही सॉल्व करते हैं तो 40 में से 30 जाएगा 10 आ जाएगा, और 30 में से 15 जाएगा, 30 में से 15 जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 15 आ जाएगा, कटा देंगे। देखिए 5 दुना के 10 और 5 थी 15, यानी कि 2 संबंध कितना 3, सवाल खत्म। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरह से मजा आ जाएगा। चलिए आज का सवाल नंबर 4 लेते हैं। यही देखिए 28% एथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20%, तो देखिए एक जगह कितना रखेंगे 28 रखेंगे, दूसरी जगह कितना रखेंगे, दूसरी जगह 20 रखेंगे, बीच में कितना रखेंगे 40 रखेंगे। तो अब आप बताइए 40 में से 20 जाएगा आपका 20 आ जाएगा, और 40 में से 28 जाएगा 12 आ जाएगा, कट जाएगा। देखिए 4 5 20 और 4 3 12, यानी कि 5 संबंध कितना आ जाएगा, 5 संबंध मेरे प्यारे बच्चे, देखिए अच्छा, और इधर से हम लोग हटाएं तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथियों कितना बचेगा, एक जगह 28 फिर 20 बीच में 40, 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 4 5 20 और ये 12, 5 संबंध कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, हो गया 5 संबंध कितना आ जाएगा। कोई विकल्प में है, नहीं है, कोई बात नहीं है, 4 से कटा रहे ना, 4 5 20 4 3 12, कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 संबंध कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें कोई विकल्प नहीं मैच कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का स्टार लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, स्टार उत्तर लगा सकते हैं। घटाने में तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लीजिए हाँ 40 में से 20 जाएगा तो आपका 20 हो जाएगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना चाहिए ये न पता है। देखिए मिश्रण का कब नियम लगाएंगे, मिश्रण का नियम लगाते समय एक जगह सस्ता होना चाहिए और एक जगह महंगा होना चाहिए। तो देखिए 28 और 20 और 40 यदि हम लोग करते हैं तो देखिए कह रहे 28% प्राप्त करना है तो बीच में 28 रखेंगे, 28% प्राप्त करना है तो देखिए एक जगह आप 20 रखेंगे, ठीक है, और एक जगह आप कितना रखेंगे 40 रखेंगे, और 20 में आप कितना रखेंगे, बीच में कितना रखेंगे 28 रखेंगे। अब ऐसे बनाइए, देखिए तो ध्यान से देखिए 40 में से 28 जाएगा 12 आ जाएगा, और 28 में से 20 जाएगा बोलिए 8 आ जाएगा, क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा, 4 तियाई कितना हुआ, 4 तियाई 12 हो जाएगा, और 4 दुना के 8 यानी कि 3 संबंध 2, ये आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं होगा, इस बात को हम खारिज करते हैं कि ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि 28% बनाना है इसको बीच में रखेंगे, जो बनता है उसे बीच में रखते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ हम आपको रुख लेके चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे बच्चियां। चलिए देखिए ये सवाल देखिए, हाँ पढ़ लीजिए, कह रहा है कि जब लाभ या हानि का मिश्रण पर बेचा जाए, तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो सबको पता है साथ ही विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणते लाभ होगा तो जोड़ेंगे, ठीक है, और हानि होगी तो घटा देंगे, ये होता है। अब आप बताइए विक्रय मूल्य का मान कितना है साथी, 21.60, देखिए 21.60 क्रय मूल्य एक्स रख देंगे, फायदा बताइए कितना है, 20% लाभ है तो हम लोग 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 बटे में क्या हुआ 100 हो गया। देखिए ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 00 बढ़ जाएगा, जब बराबर होता है तो ये कट जाता है, इससे ये कट जाएगा, सही है। अब जैसे ही 12 से कटाएंगे तो देखिए 12 एकम 12 9 बचेगा, 12 वाठे कितना हुआ 96, तो क्रय मूल 96 आ गया। अब बीच में क्रय मूल रख सकते हैं 96 यानी कि 18, तो देखिए एक जगह 15 रखेंगे, एक जगह 24 रखेंगे और बीच में 18 रखेंगे साथ ही। देखिए 24 में से 18 जाएगा 6 बचेगा, और 18 में से 15 जाएगा 3 बचेगा, जैसे ही कटा देंगे 3 एकम 3 और 3 दुना के 6 यानी कि 2 संबंध कितना 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। मिश्रण का नियम लगाते समय
बस आपको एक ही बात देखना है कि क्रय मूल्य या औसत मूल्य हमेशा बीच में होना चाहिए। विक्रय मूल्य बीच में रहेगा रखेंगे तो गलत आंसर आएगा। इस बात को, इस मुद्दा को आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम सभी साथी। ये देखिए, कह रहा है कि 60 रुपया 65 रुपया और ये देखिए 68 रुपया 20 पैसा भाव से बेचने पर विक्रय मूल्य फिर आ गया। तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए। देखिए 68.20 बराबर क्रय मूल्य एक्स। फायदा कितना है दोस्त? 10%। 110 बटे में कितना हुआ? 100 हो गया। देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 00, सबको पता है जीरो से पूरा खत्म हो जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, 11 6 66 और 11 2 22। एक जगह 60 हुआ, एक जगह 65 दिया है, हम लोगों ने कितना निकाल लिया? 62 माइनस कर लीजिए, 65 में से 62 जाएगा 3 और 62 में से 60 जाएगा 2, यानी कि 3 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। ऐसे हम लोग बना देंगे। उम्मीद करते हैं साथी, यदि आपको ऐसा कोई सवाल मिलेगा आप कभी छोड़ेंगे नहीं। जैसे ये एक सवाल आ गया, पिछले वाले सवाल में लाभ होता था, इसमें देखिए हानि हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ देखिए, 54 रुपया किग्रा की दर से बेचने पर हानि होती है, वही फार्मूला। देखिए क्रय मूल्य का मान 54, सॉरी विक्रय मूल्य का मान 54, क्रय मूल्य एक्स गुणते 10% हानि, तो 100 में से 10 जाएगा, 90 बटा में कितना हुआ? 100 हो गया। 0 से 0 खत्म, 9 एकम 9, 9 6 54, 10 6 60, यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सबको पता है दोस्त, यहाँ पे 55 रखेंगे और यहाँ पर 70 रखेंगे और बीच में हम लोग 60 रख देंगे और जैसे ही सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करके बताइएगा मुझे कितना आंसर आएगा। सही रहेगा ना, सॉल्व कर लीजिएगा। ये सवाल देखिए एकदम सेम सवाल है, सेम सवाल है। 75 रुपया है, 100 रुपया है, 72 रुपया पर 20% का फायदा है। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त, कुछ नहीं, ध्यान से देखना, ये 72 है बराबर हम लोग मान लेंगे एक्स और 20% की हानि है तो ये हम लोग का 80 हो जाएगा और बटा में कितना हो गया? 100 हो गया। आपको अब आपको पता होना चाहिए, 0 से 0 खत्म, 8 एकम 8, 8 9 72 और 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। एक जगह 75 और एक जगह 100 और बीच में आपका 90। क्या आप इसको नहीं लगा लेंगे? लगा के आंसर आप अपना चेक कर लीजिए, अपनी गुणवत्ता को चेक कर लीजिए कि क्या आप सही लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, और सही से रेशियो भी कटा लीजिएगा। और हमें कमेंट में ऑफलाइन ज़रूर बताइएगा कितना उत्तर आया, क्योंकि उत्तर आपका बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि आप ही को प्रैक्टिस करना, आप ही को सॉल्व करना है। चलिए ये सवाल देखें, ये सवाल तो बहुत बार परीक्षा में आ गया है। देखें स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, कि ध्यान से देखें, जब भी ऐसा सवाल आता है तो देखिए स्प्रिट है पानी है, दूध है पानी है, एल्कोहल है पानी है, जब भी आए तो देखें स्प्रिट बटा में वाटर बराबर 100 बटे में हमेशा एक्स पर एक्स रखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, जो एक्स है यही प्रतिशत लाभ है। प्रतिशत क्या है? लाभ है। तो ध्यान से देखिए 100 बटे में एक्स प्रतिशत, एक्स प्रतिशत का मतलब कितना? 20%। जैसे ही 20% निकालेंगे, 20 एकम 20, 20 5 100 यानी कि 5 बटा 1 यानी कि 5 कितना? 1। सवाल खत्म। ठीक है, ये 100 कभी चेंज नहीं होगा, जब भी चेंज होगा तो ये एक्स चेंज होगा, 100 कभी बदलेगा नहीं, ये बात ख्याल कर लीजिएगा। ऐसा सवाल हम प्रैक्टिस करा देते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए यही सवाल है, पानी को स्प्रिट के साथ, पानी पहले है स्प्रिट बाद में है, तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त, तो पहले स्प्रिट लिख लो फिर पानी लिख लेना मेरे दोस्त। ध्यान से देखना, स्प्रिट को 100 मानेंगे बटा में गुणा कर लीजिए 16 3 48 2 50, 50 बटे में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 50 एकम 50, 50 2 9 100, ये एक बार में हुआ, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3 2 9 6 बटे में कितना हुआ? 1 हुआ। सही है, लेकिन सवाल में देखें पहले वाटर लिखा है, तो ये बताइए वाटर का मान कितना है? 1। स्प्रिट का मान 6 है, तो पहले 1 उसके बाद 6 यानी कि 1 संबंधी कितना? 6।
सवाल खत्म। इससे नहीं घबरा जाता है। मैंने बताया हमेशा पानी जो होगा वही चेंज होगा, स्प्रिट नहीं बदलेगा, एल्कोहल नहीं बदलेगा, दूध नहीं बदलेगा, उसको 100% मानेंगे ही। ये सबसे आसान तरीका है, बेसिक भी आपको सिखा सकते हैं, लेकिन पता है जब भी आप लगाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा शॉर्टकट लगाने की कोशिश करिए, जितना जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करिए। चलिए इस तरह से हम लोग अगला सवाल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि दूध, एक दूध वाले के पास 120 लीटर दूध है, वह दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो दूध में कितना पानी मिलाता है? देखिए कितना आसान है। देखना, अभी मैंने बताया था मिल्क बटे में वाटर बराबर 100/x, मैंने बता रखा है। मिल्क का मान बताइए कितना है, मिल्क का मान 120 है, वाटर का मान छोड़ दीजिए बराबर 100/100, अब आप बताइए कितना परसेंट है, 25 नहीं बस 25 रखेंगे, x का मान 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से कटा देंगे 30 बार में कट जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप लगा रहे हैं, 30 लीटर आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा 30 लीटर, एकदम आसानी से आप सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। अभी तो मतलब ये पहला पार्ट है ना, दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट आएगा, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए ये सवाल देखिए, एक दूध वाला कुछ लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाकर क्रय पर बेचता है, तो ध्यान से देखें दूध की मात्रा पूछा है, तो देखें मिल्क बटे में वाटर होता है बराबर 100/x होता है, मिल्क का मान पूछा है लेकिन वाटर का मान लिखा है, कितना लीटर है 6 लीटर है, 6 बराबर 100/ कितना परसेंट, बोलिए 20%। देखें 20 से कम 20, 20 5 100, 6 का गुणा 5 में कर देंगे 6 5 30, सवाल खत्म। क्लियर है, एकदम प्रैक्टिस, मजा आ जाएगा आपको। मैंने बताया ना कि बहुत मजा आता है साथी, बस आप लगे रहिए, ठीक है, कभी निराश मत होइएगा लाइफ में, सफलता बहुत नजदीक है। चलिए कह रहे कि हाँ वही सवाल है, एक व्यक्ति के पास 25 रुपया लीटर एक रसायन है, किस अनुपात में पानी, देखिए जब भी पानी की बात होती है, जब भी पानी मिलाने की बात होती है तो वहां पर पानी का मान हमेशा 0 रखते हैं, कितना रखते हैं 0, हमेशा 0 रखेंगे, ठीक है। देखिए लेकिन हाँ ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है, तो पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य 20 है, क्रय मूल्य x है, 25% फायदा 125/ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 25 5 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 चौके बोलिए 4 चौके 16 हो जाएगा। अब आप बताइए रसायन कितने का है, 25 का है, पानी का मान हमेशा 0, बीच में 16 आ गया, मेरे दोस्त मेरे बंधु 16 में से 0 जाएगा 16 हो जाएगा, लेकिन 25 में से 16 जाएगा 9 हो जाएगा, तो 16 संबंधी कितना हो जाएगा 9। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये मध्य प्रदेश की एसआई के एग्जाम में आया था, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए सवाल नंबर अगला उठाते हैं, ये देखें, ये देखिए हाँ, एक दूध वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर मिलाकर 9 लीटर की दर से बेचता है, कितना 9 लीटर, और मेरे प्यारे बच्चे बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, कितना परसेंट का 20% का लाभ कमाता है, यदि शुद्ध दूध की लागत मूल्य 20 रुपया प्रति लीटर हो तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए, मिश्रण में दूध और पानी का क्या बताइए, अनुपात बताइए। ध्यान से देखिए लिखा है 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य का मान कितना है 9, क्रय मूल्य निकाल देंगे यहाँ से x, 20% फायदा, तो ये हो जाएगा 120/ बोलिए 120/100। ध्यान से देखना दोस्त, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 चौके 12 और ये देखें तितली के 9 हो गया, एकदम आराम से कटा रहे हैं, 2 दुना के 4 और 2 5 10, 5 3 15, 15/ मेरे साथी 2 आ गया बराबर x, क्या हम इसको 7.5 नहीं लिख सकते हैं, कहेंगे गुरुजी क्यों नहीं लिख सकते, आप ही का तो राज है, तो देखिए
पहले 10 है मेरे दोस्त, पानी का मान 0 रखेंगे, यहाँ पर 7.5 रखेंगे। ध्यान रहे, जैसे ही घटाएंगे तो 7.5 आ जाएगा और 10 में से इतना घटा देंगे 2.5 आ जाएगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 75 है, 25 है, 25 से कम 25, 25 तियाई 75, 3 संबंधे 1 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला वाला। ये CHSL 2012 में आया था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं करेगा, बस आप प्रैक्टिस करिए, लगे रहिए। चलिए अगला सवाल चलते हैं, ध्यान से देखिए। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है दोस्त। देखिए 12 kg, 16 kg, 20 kg, 3 बर्तन हैं, उसमें दाम इतना इतना है, 15 रुपया का। तो मालूम है, देखिए हमेशा एक जगह सस्ता रखते हैं और एक जगह महंगा रहते हैं, ये दिमाग में रखना चाहिए। देखिए देखिए 12, 16, 15, तो ध्यान से देखिए 12 रखेंगे, 16 रखेंगे, 15 रखेंगे। तो देखिए 12 से ये ज़्यादा है लेकिन 16 से ये क्या है? कम है। तो बीच में रखने का मतलब एक ज़्यादा होना चाहिए और एक कम होना चाहिए। तो ध्यान से देखना दोस्त, जैसे निकालेंगे 16 में से 15 जाएगा 1 और 15 में से 12 जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक संबंध क्या हुआ? 3। अब फिर पहला और लास्ट वाले को लेते हैं। तो देखिए पहला कमान कितना है? 12 है। लास्ट कमान कितना है? 20 है। और बीच में कितना मेरे दोस्त? 15 है। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 20 में से 15 जाएगा 5 और 12 में से 15 में से 12 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 2 लिखे होते हैं उसको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना है? 3 है दोस्त, 3 है, और इसका भी मान 3 है। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 × 6, 2 संबंध 1 संबंध 1, ऑप्शन नंबर पहला। देखिए कितना आसान है, ऐसे सवालों को मालूम है आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं दोस्त, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, इस पर और सवाल प्रैक्टिस करा देते हैं, घबराई मत। यही सवाल देखिए 12, 14, 16 है, 13 है, तो मैंने बताया था ना कि देखिए 12, 14, 16, 13, तो देखिए एक बार 12 रखेंगे, 14 रखेंगे और बीच में क्या रखेंगे? 13 रखेंगे। प्रैक्टिस करा देते हैं, देखें दोनों को घटाएंगे, 14 में से 13 जाएगा 1, इधर भी तो 1 आएगा। फिर देखें एक जगह 12 रख देंगे, फिर कितना? 16 रख देंगे, बीच में 13 रख देंगे। अब ध्यान से देखें 16 में से 13 जाएगा 3 और 13 में से 12 जाएगा 1। क्लियर है, जो 2 होता है जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ भी 12 का मान 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इधर देखें 14 का मान कितना है? 1 है, और 16 का मान 1 है, 4 × 1 = 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला। बार बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आता रोक के देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, लेकिन सवाल आना चाहिए, बस ये बात आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एक सवाल और दिखाते हैं आपको, क्योंकि कहते ना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। देखिए मेरे दोस्त एक जगह 50 रखेंगे, एक जगह 80 रखेंगे, क्यों 80 रख रहे हैं? 50 है, 80 है, और यहाँ पर कितना है? 48, यहाँ 48 रखेंगे। देखिए घटा लीजिए दोस्त, घटाएंगे 32 आ जाएगा, घटा लीजिए 2 आ जाएगा, सही रहा मेरे दोस्त। यहाँ 50 रखेंगे और लास्ट वाला बताइए 100 है, बीच में 48 रखेंगे। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, 100 में से 48 घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 52 आएगा, कितना आएगा? 52 आ जाएगा। अब फिर देखें घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 32 और 52 यदि हम लोग जोड़ते हैं, सॉरी मिस्टेक, थोड़ा सा हम लास्ट तक नहीं पहुँचे, लास्ट वाली तह तक। देखें 20% की क्या है? हानि है, तो पहले क्रैमुल ना निकलेगा, तो 48 = x और 20% हानि का मतलब 80/100। अब देखिए आ जाएगा, मैंने सोचा कि आखिर क्या हो गया मुझे, ये गड़बड़ हो रहा है, 8 × 48 = 10 × 6 = 60, x = कितना गया? 60। अब 60 रखेंगे, देखें एक जगह 50, 80 और बीच में कितना? 60 रखेंगे। देखिए आ जाएगा, घटा लो बाबू, सारी 80 है ना, घटा ले ये
20 और घटा लेंगे कितना 10, ठीक है। एक जगह 50 रखेंगे, एक जगह 100 रखेंगे और बीच में कितना रखेंगे 60। जैसे ही रखेंगे तो घटा लीजिएगा 40 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 40 जोड़ेंगे 60 हो गया। यहाँ पर कितना है 10 है, बस 10, और उधर भी 10 है। 0 0 0 खत्म, 6 1 1 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला करेक्ट। अगला सवाल देखिए, मुझे लगता है कि ये वाला सवाल आप खुद लगा लेंगे, खुद लगा के कोशिश करेंगे। 90 रुपया, 120 रुपया, 140 रुपया, 150 रुपया बेचने पर 20% का लाभ हो, कोशिश करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब इस क्वेश्चन का, लेकिन कोशिश जरूर करिएगा क्योंकि कोशिश करने पर ही कुछ हो सकता है, नहीं कोशिश करेंगे कुछ भी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल ये देखिए, बहुत बेस्ट है। देखिए कह रहा है दोस्त कि दूध और पानी का मान 40 लीटर है और रेशियो है 7:1। ध्यान से देखना, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए मिल्क है और क्या है, वाटर है, रेशियो है 7:1, दोनों में एक्स लगा देंगे। ये बताइए 7 और 1 कितना हुआ, 8। 8x का मान सवाल में कितना है बोलिए, 40 है। तो आप बताइए 8 5 40, 5 7 35 और 5 1 5, सही रहा। बोला है दोस्त कि दूध और पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। तो पानी का मान 5 है तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा, x। कितना अनुपात करना है, 3:1, तो गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा 35 में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 35 आएगा। लेकिन हाँ, जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15 होगा, अब प्लस 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, 35 में से 15 जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 = 3x, और जैसे ही 20 में 3 से भाग करते हैं तो आता है 6 सही ना, 3 6 18, 6 सही 2/3 कितना 3। देख लीजिए अपनी गलती को, सुधारिए, समझिए। कहता है कि दूध कितना बढ़ाया गया, तो दूध में हम लोग जोड़ देते हैं, पानी कितना बढ़ाया जाएगा, पानी में जोड़ेंगे। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है एकदम, मेरे दोस्त मेरे बंधु। देखिए एक सवाल और है, मिल्क है, वाटर है, 2:1 है, दोनों में एक्स लग जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3x का मान सवाल में लिखा है 75 लीटर, तो x का मान आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 दुना 50 हो जाएगा और 25 1 25 हो जाएगा। बोला है मिश्रण में कितना और पानी मिला जाए, तो यहाँ पर मिला दी x अनुपात 1:2, हल कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। कोशिश कर लीजिएगा दोस्त, मुझे लग रहा है कि जो भी आए आप जरूर कोशिश करेंगे, ताकि दूध और पानी का जो अनुपात हो मेरे दोस्त 2 1:2 हो जाए, जरूर कोशिश कर लीजिएगा। चलिए 75 आएगा। अगला सवाल देखिए, ये तो बहुत बेस्ट है, ध्यान से देखना, ये SSC CPO का सवाल है 2017 का। देखिए कह रहा है कि एक मिश्रण में 7:5 का अनुपात है, देखिए ये 7 है और ये कितना है 5 है, दोनों में क्या लग जाएगा x। बोला है कि मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देते हैं, ये बताइए, ये तो दूध है, यही ना पानी है, 15 मिला दीजिए, कितना अनुपात हो गया 7:8, यानी कि इसका मान 7 तो इसका मान क्या 8, तिरछा तिरछी गुणा कर दें। जैसे ही गुणा करेंगे साथी तो 7x/8 मिलेगा, बराबर गुणा होगा ना, तो ये मिलेगा 7 और 5x + 15 मिल जाएगा। देखिए 7 से 7 खत्म, ये हुआ 8x = बोलिए 5x ना, अब प्लस 15, तो ये प्लस है तो इधर आकर माइनस, तो 8 में से 5 जाएगा 3x, 3x का मान 15 हो जाएगा, तो x का मान 3 5 15, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो पूछा है
कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा का मतलब मेरे दोस्त ये नया यही ना है पानी, पानी यही है आठ, तो आठ अगुण थे पाँच बराबर आठ पाँचे चालीस हो जाएगा। या यक्ष का मान पाँच आया है तो पाँच पाँचे पच्चीस, पच्चीस में पंद्रह जोड़ेंगे तब आएगा। ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरह से आ सकता है। अब आपको फैसला करना है कि कैसे लगाना है। उसी तरह से ये सवाल है, ये तो लाजवाब सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है। देखिए कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार। देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त एक जगह हंड्रेड माना जाता है, कितना मानते हैं हंड्रेड, सौ मानते हैं। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, देखिए कितना पानी है दस, कितना पानी है, या एक काम करते हैं ध्यान से देखिए चालीस है, ठीक है। अब आप बताइए 10% पानी है तो 100 में से 10 निकल जाएगा, 90 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 20% है तो 100 में से 20 निकल जाएगा, 80 बचेगा, सही रहा। अब ध्यान से देखें 40 एकम 40, 40 दुना के 80, 2 से कटा देंगे 45 बार में कट जाएगा। अब आप बताइए मेरे दोस्त पहले कितना था, 40 लीटर था, अब कितना आ गया 45 आ गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया 5 लीटर, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। इसी पर एक सवाल और प्रैक्टिस करा देते हैं। ये देखिए 60 है 10 है 25 है, तो अब आप बताइए 60 है 10 है तो 100 में से 10 जाएगा, तो 100 में से 10 जाएगा बोलिए, आप बताएंगे गुरुजी 90 हो जाएगा, 100 में से 25 जाएगा 75 हो जाएगा। ध्यान से देखें 15 चौके 60, 15 पाँचे 75, 5 एकम 5 18 पाँचे 90, 18 चौ 72। अब आप बताइए पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 72, बढ़ गया कितना 12, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही सवाल देखिए मेरे दोस्त, मूल मात्रा पूछा है, क्या पूछा है मूल मात्रा। ध्यान से देखिए मिश्र दूध और पानी में 20% पानी है, तो ध्यान से देखिए एक जगह 20 रखेंगे, ठीक है, एक जगह आप 100 रखेंगे और बीच में कितना रखेंगे 25 रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, नज़र मत हटाइएगा, 100 में से 25 जाएगा 75 हो जाएगा और 25 में से 20 जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है, कहेंगे गुरुजी बहुत अच्छा। अब आप बताइए यही ना पानी है, यही पानी है और पानी का मान 25 है, तो कहेंगे 5 का मान 25 है, तो एक का मान कितना होगा 5 होगा, तो इसलिए मेरे दोस्त 75 का मान कितना होगा, तो गुणते 75 हो जाएगा। तो देखिए 5 पाँचे 25, 5 सात 35, 2 37, तो हो जाएगा 300 कितना 75 लीटर, कितना हो जाएगा 300 कितना 75 लीटर। देखिए कितना आसान है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल ये रहा आप लोगों के लिए, हम छोड़ देते हैं, आप मुझे इसका भी उत्तर कमेंट बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये था हम लोगों का मिश्रण का पहला वीडियो, मिश्रण का दूसरा वीडियो कल अपलोड करेंगे, तीसरा वीडियो परसों अपलोड करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों नमस्ते, जय हिंद,